अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, सब भाइयों बहनों, पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, खुदा के लिए आप एक हो जाएं और ये जो सैलाब और ये बारिशें जो तूफ़ान जितने भी तबाहियाँ हो रही हैं अल्लाह की नाराज़गी की वजह से, अल्लाह की तरफ रजू करें, खुदा के लिए अल्लाह की तरफ रजू करें। अल्लाह हमें समझा रहा है कि सुधर जाएं, सुधर जाओ, दुनिया के लोगों को और मुल्कों के पीछे भागने छोड़कर मेरी तरफ आओ, मुझसे रजू करो, सीधे काम करो और गुमराही के काम छोड़ो, बेहयाई के काम छोड़ो। आज जगह जगह बेहयाई के अड्डे खुले हुए हैं वहाँ पे, और रमज़ान मुबारक है, अभी रमज़ान है, रमज़ान में खुदा का खौफ करें। और ये जितने भी महंगाइयाँ हैं, हर चीज़ लूट मचाई हुई है, हर गरीब बंदा तो रमज़ान मुबारक भी, वो तो बेचारा रोज़ा भी नहीं रख सकता, वो तो इफ्तारी भी नहीं कर सकता, उसके लिए इतनी मुश्किल खड़ी कर दी गई है इन लोगों ने, तकीरन दोजों ने 20-20 हज किए हुए हैं। खुदा का खौफ करो, वो कहाँ लोग जा रहे हो, कहाँ ये पैसे कहाँ लेके जाओगे? अल्लाह आगे आगे से अल्लाह भी मुंह पे मारेगा ये पैसे भी, और जितनी ये नेकियां कर रहे हो, हज कर रहे हो, उमरे कर रहे हो, खुदा के लिए ये उमरे वगैरह बंद करो, लोगों को दिखाने के लिए ये बंद करो, और ये गरीब मस्कीन जितने भी परेशान हाल हैं इनकी इमदाद करो। पूरी दुनिया से मुसलमान भाइयों को मैं अपील कर रहा हूँ, शर्म करो, दूसरे लोग, दूसरे मज़हब के लोग चंदा दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, फिरका बरंदी, ये इसको पैसे नहीं देने, उसको नहीं देने, इसका ये अकीदा है, वो इसका ये अकीदा, ये नाते ज़्यादा पड़ता है, ये दुरूद पड़ता है, ये अमीन बड़ी आवाज़ से बुलंद आवाज़ के कहता है, इन चीज़ों को छोड़ो, खुदा के लिए एक हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, कुरान मेहनत से पढ़ो, नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, ज़कात दो, सदके दो, और तौबा इस्तग़फ़ार करो। भाइयों, अल्लाह नाराज़ है हमसे, अल्लाह को अगर आपको अगर अब भी होश ना आया तो आप कब सुधरेंगे, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। आप ईद जो अब आ रही है, ईद भी सादगी से मनाओ। बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बहनें जब 10-10 कपड़ों के जोड़े बनाती हैं ईद में लोगों को दिखाने के लिए, ये खुदा के लिए ये सादगी अपनाएं, और यही पैसे बचा के उन गरीब मस्किनों को दें जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, जिनके घर, जिनकी ज़मीनें, हर चीज़ तबाह हो चुकी है, उनका ख्याल करो, अपनी इस सादगी से मनाओ, और जितने भी पैसे इन लोगों को दो, और जो ईदी है या जो भी ऐसे ऐसे अदारे हैं जो जिनकी साग भी अच्छी है, जो लोग जिन पे ट्रस्ट करते हैं, अतबार करते हैं, उनको पैसे इकट्ठे करके दो। पूरी दुनिया से जितने जितने वो जहाँ जहाँ मुसलमान भाई हैं, ये यूट्यूब में या मेरा पैगाम सुनेंगे, खुदा के लिए आप मैं सब मिल के अपनी कम्युनिटी में, अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ जहाँ भी हैं, सब लोगों से आप चंदा इकट्ठा करें, मिनट्स मसाजिद करके लोगों से लें, अपनी अय्याशियाँ कम करें, गैर ज़रूरी अखराजात कम करके ये इनको बचाएं, खुदा के लिए, खुदा के लिए, और यही आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, जो काम, जो निकी का काम है। और इन लोगों को, अपने भाइयों का इस वक्त ख्याल करो, क्योंकि आप अब नहीं करोगे तो अल्लाह आपको भी इसी तरह इम्तिहान में डालेगा। आप इस इम्तिहान से बचना चाहते हैं तो खुदा के लिए उनको पैसे भेजें, उन चाहे जो कुछ भी उनको चाहिए वो करें, प्लीज़, खुदा के लिए। अस्सलामु अलैकुम।